देश में भर्तियों को समय पर पूरा करने के लिए गठित कमेटी की सचिवालय में बैठक हुई। आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र लाल कुमावत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव ने अपने सुझाव इस बैठक में रखे और कहा कि भर्तियों का कैलेंडर समय पर जारी होना चाहिए, 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का नियम बनाया जाना चाहिए, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोकना चाहिए, यूपीएससी की तर्ज पर भर्तियों का टाइम टेबल किया जाए, साथ ही पेपर लीक, फर्जी डिग्रियों, नकल मामलों को लेकर सख्त नियम बनाने की भी आवश्यकता यहां पर जताई गई। साथ ही कहा गया कि बैठक में रिटायर्ड आईएएस खेमराज, आईएएस महावीर प्रसाद, आरपीएससी सचिव शुभम चौधरी मौजूद रहे। देखो, हमने कहा कि भर्ती परीक्षा को कैलेंडर जारी हो, लोग इंतजार करते रहते हैं। 16 लाख से ज्यादा जिस पटवारी अन्य भर्तियों का, उनको पता चले एग्जाम कब होगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी देखी जाए, बायोमेट्रिक हो, वीडियोग्राफी होनी चाहिए परीक्षा केंद्रों की, और साथ में जो घोषणा की जाए वो पूरी हो। प्रश्नों को लेकर विवाद होते हैं, उनमें भी जिम्मेदारी तय की जाए। तो तमाम कई मांगों को लेकर हमने उनको सुझाव दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आप कल तक और भी सुझाव दें जिससे भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। लेकिन साथ में हमने ये भी कहा है कि यदि जो लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी तो ये भर्ती प्रक्रिया ऐसे ही लटकती रहेंगी। तो कई हमने सुझाव दिए, बाहर राज्य को कोटा समाप्त हो और जो अन्य जो मामले और आते हैं जैसे पेपर लीक प्रकरण को लेकर, फर्जी डिग्री को लेकर, उनमें सख्त कानून बने, तो तमाम हमने सुझाव उनके सामने रखे हैं। विश्वास है कि वो सुझाव पर संज्ञान में लेंगे और बेरोजगार को राहत मिलेगी। प्रक्रिया निर्धारित की गई है और जो जो समस्याएं हैं उनके बारे में पता लगा के सुझाव क्या हो सकते हैं, सलाह क्या हो सकती है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और जल्दी सरकार को रिपोर्ट देंगे। तो सुझाव वेलकम है, जो भी संस्थाएं सुझाव देना चाहती है दे सकती।